celebrations of the RSS. विजय के साथ उदित होने वाली अश्विन शुक्ल दशमी के दिन हम अपने इस विजयादशमी उत्सव को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित है। शक्ति सारी बातों का आधार है, शक्ति शांति का भी आधार है, शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। ऐसे शक्ति उपासना का यह उत्सव है, विजय का यह उत्सव है, और संयोग है कि उसमें प्रमुख अतिथि के नाते उपस्थित श्रीमती संतोष यादव जी उसी शक्ति का, ऊर्जा का, चैतन्य का प्रतिनिधित्व करने वाली है। गौरी शंकर की ऊंचाई को दो बार उन्होंने पाटा है। संघ के कार्यक्रम में ऐसे समाज की जो कर्तृत्व संपन्न, प्रबुद्ध, सबके लिए आदर्श उपस्थित करने वाली माता भगिनी है, उनको निमंत्रित करना, उनका उपस्थित रहना, उनका प्रमुख अतिथि बनना, ये डॉक्टर साहब के समय से ही चलता आ रहा है। श्रीमती अनुसुईयाबाई काले हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है। उस समय भारतीय महिला परिषद, इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की उस समय की अध्यक्षा राजकुमारी अमृत कौर भी यहां के शिविर में आ चुकी है। दिसंबर 34 में शिविर हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता ऐसी एक महिला ने की थी, और तब से चलता आ रहा है। इमरजेंसी के बाद अकोला शहर के भी एक उत्सव की अध्यक्षा, मैं वहां प्रचारक था उस समय, तो कुमुत्ताई रांगणेकर जी औरंगाबाद की रहने वाली, उन्होंने विजयादशमी उत्सव का प्रमुख अतिथि पद भूषित किया था। क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठित करना है तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां ये दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती, ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है, लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा है। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए दो संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं, लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं, हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया।
और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया। उनको जगत जननी मानना ठीक है लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखे, बाहर ना आने दे, ये ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में, सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। 2017 में विविध संगठनों में काम करने वाली और हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने सारे भारत का एक बहुत बड़ा मातृशक्ति का सर्वे किया था। सब प्रकार की महिलाएं उसमें उन्होंने सर्वे में ली थी, यानी सन्यासिनियों से लेकर तो बड़े बड़े उद्योग चलाने वाली महिलाओं तक, सबको उसमें लिया था। भारतवर्ष में महिलाओं का इतना समग्र सर्वेक्षण ये पहली बार हुआ है। वो सर्वे प्रसिद्ध भी हुआ, उस सर्वे को सरकार के पास भी दिया गया। दिल्ली में ही उसका लोकार्पण निर्मला जी सीतारामन जी के हस्ते हाथ में हुआ था, मैं था वहां पर। उस सर्वे के निष्कर्ष भी यही है, जो सब पुरुष कर सकता है मातृशक्ति कर सकती है, मातृशक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकते, इतनी उनकी शक्ति है। और इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध बनाना, सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको काम करने की स्वतंत्रता देना और कार्यों में बराबरी की सहभागिता देना। दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी और स्त्री मुक्तिवादी आंदोलन चलते हैं उनके पांचवें फेज के बाद अब छठा फेज चल रहा है, उसमें वो भी अपने दृष्टिकोण को अनुभवों से मोड़कर इसी रास्ते पर आ रहे हैं। और इसलिए उस मातृशक्ति के जागरण का महत्वपूर्ण काम अपने परिवार से प्रारंभ करते हुए सार्वजनिक कार्यों में, संगठन संस्थाओं में भी उसको लागू करते हुए हमको समाज के पास ले जाना पड़ेगा।